Good morning friends, I'm Sapna Agarwal, Creative Director of Ansa Interiors. In our design discussion series, आज हम संजय जी के साथ हैं जिनका हमने घर बनाया था फॉरेस्ट पार नोएडा में. हेलो भैया, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल ठीक ठाक भैया. भैया आपका हमने घर बनाया, अब तो बने हुए भी कुछ महीने हो चुके हैं. बट हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 4-4.5 साल से जानते हैं. पहली बार आपने हमें बुलाया था कि आपने अपना ऑफिस बनवाना है और एक फैक्ट्री एरिया था. फिर करते 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 कहानी आपके घर तक आई. सो आई थिंक इट्स बीन अ वाइल कि हम आपको जानते हैं. पहली बार जब मैं फैक्ट्री में आई थी, आई थिंक शायद आपका तब एक इंटरप्रिटेशन रहा होगा हमारे लिए, क्योंकि किसी ने, मैं कहीं बैठा था, किसी ने आपका रखा किया मतलब कि उनके लिए तो कोई काम कराना हो तो एक बार उनसे मिल जाऊंगी. तो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री में इंटीरियर कराना था, मैंने आपको बुलाया, आप आए. तो आपसे पहली बार मिलके मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनली 100% जेन्युइन पर्सन कनेक्ट हो जाता है. हाँ, ये लगता है कि यहाँ जो है, जो हम चाहते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हुई. ये फिर ये हुआ कि फैक्ट्री जो हमने ली, जैसे काम बढ़ा हम लोगों का, तो ये रहा कि बड़ी फैक्ट्री बनानी है, तो फिर इंटीरियर हमने फैक्ट्री का नहीं कराया, लेकिन आपके यहाँ से रेगुलर कॉल्स आते हैं. और उसके बाद फिर हम लोगों ने घर लिया, अपार्टमेंट लिया यहाँ पर, तो ये रहा कि अपार्टमेंट का काम शुरू कराया गया. जब हम फर्स्ट टाइम इस अपार्टमेंट में आए थे, इसकी शक्ल ऐसी नहीं दिखती थी. नहीं, देखिए अपार्टमेंट ये रो था बिल्कुल जो है, और आप आए, आपसे सब चीजें डिस्कस हुई, आपने पूछा मुझसे कि कैसे क्या कराना चाहते हैं आपने. मैंने कहा कि मुझे व्हाइट थीम, सिंपल सोबर, ये इंटीरियर करा, और वैसा ही इंटीरियर आपने किया. जब हमारी पहली बार डिस्कशन हुई थी, तो आपके बहुत सारे एस्पिरेशंस थे, बहुत ड्रीम्स थे कि पूरा वाइट होना चाहिए, बहुत लग्जरी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आए तो एक बार ही जरूर पूछे कि किससे कराया. Have you been able to achieve that? बिल्कुल. जो देखे घर जो होता है, आप अगर मैं ये कहूँ कि आदमी की सोच क्या है, वो आप उसके घर चले जाइएगा, आपको आदमी की सोच पता चल जाएगी. पूरी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ये सब चीजें व्यक्ति का बताता है. तो मेरा शुरू से ये रहा है कि सिंपल सोबर घर होना चाहिए, और ज्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए. और वाइट एक ऐसी थीम है कि जो इसका क्रेज ना कभी आया और ना कभी क्रेज इसका जाएगा. जैसे आपने बोला था कि बहुत सोबर बनाना, कुछ एक्स्ट्रा चीज मत डाल देना, और घर ऐसा हो कि एंटर करें तो लगे कि हाँ घर में आने का दिल कर रहा है. सो आई थिंक आप आए भी मुजफ्फरनगर से थे यहाँ पे, और डेली में रहना भी थोड़ा सा अपने आप में एक टास्क है. आई थिंक सो दिस आई थिंक मेक्स यू फील लाइक होम नाउ. बिल्कुल. मैं एक्चुअली मुजफ्फरनगर से, लोग नोएडा शिफ्ट हुए, तो यही रहा कि घर एक ऐसा हो कि हमें भी अच्छा लगे. और देखिए हम लोग बिजनेस मैन जब फैक्ट्री से घर आते हैं, और बिजनेस आज कोई इजी टास्क नहीं, काफ़ी सारी बातें फैक्ट्री में होती हैं, काम बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है. उसके बाद जब हम लोग घर आते हैं, तो घर आके एक सुकून जो मिलता है, जो एक सुकून होना चाहिए, वो आकर के हमें, मुझे पूरा मिलता है यहाँ. क्योंकि जैसा मैंने कहा वैसा ही मैम ने आपने इंटीरियर बनाया. छोटी सी बात में आपने पूरे एक्चुअली बता दिया कि हमने क्या अचीव किया. जी, थैंक यू सो मच. मैम, जब हमारा ये प्रोजेक्ट हो रहा था, देयर वर सो मेनी टाइम्स की मेल से या हम कोशिश से हमारी डिस्कशन हुई, और डिस्कशन क्या आर्ग्यूमेंट भी हुई कई बार. आपको हमने बोला कि ऑटोमेशन होनी चाहिए, कर्टन से ऑटोमेशन होनी चाहिए, लाइट ऑटोमेशन, मूड ऑटोमेशन नेसेसरी है. आई थिंक कितनी बार तो वो मुझे लगता था एजुकेशनल वेंचर है कि पहले पढ़ाओ और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराओ. सो आई थिंक द होल प्रोसेस इज वेरी टैक्सिंग, बिकॉज हर चीज आपको हम समझाते हैं, समझाने के बाद उसकी यूसेज बताते हैं, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है. बट एट द एंड आई थिंक वो शायद बेटर रहता है. देखिए ऐसा है, हर आदमी अपने काम का मास्टर. True. आप अपने काम के मास्टर हैं. True. हम जो काम करते हैं, हम अपने काम के मास्टर हैं. So, अपने काम को जितना अच्छी तरह आप जानते हैं, तो कोई भी जिसको आपसे काम कराना है,
जो चीज आप एक्सप्लेन कर देंगे, जो सजेशन आप दे देंगे, देखिए आप अपने काम के मास्टर हैं, तो जो चीज आप सजेस्ट कर देंगे, जो आप बता देंगे, वो आदमी खुद नहीं कर सकता उस चीज को। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा एजुकेशन है, बहुत कुछ समझाया जा रहा है एक साथ। देखिए इंटीरियर जो है ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, आपने इंजन स्टार्ट किया, कलच दबाया, गियर डाला, गियर पर छोड़ा, आप कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलानी सीख जाए, ये एक आर्ट है। और देखिए देयर आर फोर आर्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्ट है और ये बड़ी एक्सपेंसिव है, हर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। I'm sure इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी हो जाती है। और सेकंड आर्ट जो है वो म्यूजिक है और थर्ड आर्ट जो है वो पेंटिंग ड्राइंग्स जिसको हम बोलते हैं वो आर्ट में। तो फोर्थ आर्ट जो है वर्ल्ड की वो पोएट्री या शॉर्ट स्टोरीज ये चीज है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्ट जो है वो तो आप लोग कर रहे हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आए यहाँ पे, आपका तो वैसे भी आप मुजफ्फरनगर से दिल्ली आए थे, आपके सारे रिलेटिव्स आए यहाँ पे, आपका तो सोशल सर्कल भी इतना बड़ा है। जी जी। तो कैसा रहा उनका रिएक्शन यहाँ आके? देखिए अगर मैं सही कहूँ तो हमारा जो मेन डोर है वो अंकुश जी की चॉइस है। True, that I agree. The story behind the main door, मैंने अंकुश जी को बोला कि मुझे वुडन या नेचर पसंद है। अंकुश जी ने मेरे को समझाया कि जो डोर मैं आपको लेकर के दे रहा हूँ कॉपर का डोर, और कोई भी आएगा तो इस डोर को देखेगा। जी, यही बात हुई थी। Exactly. तो देखिए आप अभी आपने कहा कि टीचिंग देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, आप सब चीज डिस्कस करेंगे, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, उसके बाद में फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर, वो हम लोग करेंगे। एटलीस्ट आपको सब कुछ पता है और फिर आप चूज कर पा रहे हैं कि आपने क्या चूज किया। अंकुश जी की जो बात थी वो मेन डोर की, वो मेन डोर लगा, वो मेन डोर देखते ही एक पॉजिटिव वाइब्स जो प्रॉपर हमारे वास्तु में भी है वो एनर्जी को जब से मतलब हमारा होम थिएटर बना है हम लोग थिएटर में मूवी देखने नहीं गए, और किसी फ्रेंड के साथ अगर किसी ओकेशन पे गए भी हैं तो साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी जो थिएटर में है वो अब हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे घर का साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी आई थिंक उससे बेटर है, बहुत बेटर है। अकॉस्टिक्स भी बहुत अच्छा हुआ था जी, अकॉस्टिक कैलकुलेशन के साथ जो हुआ था उसके बाद आई डोंट थिंक कहीं कोई वाइब्रेशन का कोई स्कोप रह भी गया नहीं। बिल्कुल साउंड प्रूफ, बिल्कुल परफेक्ट है साउंड, बिल्कुल परफेक्ट है। और पिक्चर आपने 4K प्रोजेक्टर लगवाया जो उस समय पे जस्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो पहले हमारे यहाँ पे अल्ट्रा एचडी प्रोजेक्टर लगा, उसके बाद में आपने उसको अपग्रेड किया। मैंने कहा कि मुझे तो 4K लगाना था और मैं आपसे थोड़ा सा ये उस समय पर मैंने रिक्वेस्ट की, आपने उसको अपग्रेड करके मैंने यहाँ 4K लगा दिया। बट ओवरऑल आई थिंक आपके फैमिली मेंबर्स सब सैटिस्फाइड हैं, सभी लोग सैटिस्फाइड, और जो ऑटोमेशन हम लोगों ने किया है और जो साउंड वगैरह जो भी टेक्नोलॉजीज आप लोगों ने हमें समझाई और हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया तो डे बाय डे वो पैसा वसूल है, वो लाइफ में आई थिंक एवरीडे यूज करते हुए उसकी नेसेसिटी बन जाती है, वो फिर उस टाइम पे समझ आता है कि हाँ ये सब चीजें काफी यूजफुल रही। आज हमें वाकई महसूस हो रहा है कि साउंड लगी हो चाहे ऑटोमेशन हुआ हो घर के अंदर चाहे होम थिएटर बना हो, जो भी नई चीजें आई है वो उनकी अपनी वर्थ है। और डे एवरीडे बल्कि एवरी मोमेंट उनका एक हमें नया पंथा लगता है हमेशा। Would you at last but not the least would you recommend us to your friends and family? मैं सिर्फ आप ही को रिकमेंड करना चाहूंगा, उसके रीजन सबसे बड़ा ये है आप लोगों के अंदर एक अपनापन है, अंकुश जी और आप
दोनों जो है, और आपकी टीम में जितने भी लोग, चाहे आपके ऑफिस के लोग हो, आपने 3D ड्राइंग बनाई, बहुत अच्छी 3D ड्राइंग बनाई, जो आपने मुझे 3D अपने ऑफिस में दिखाई, जो मुझे मेल पे भेजी, सेम डिटो वही घर का इंटीरियर हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो लोग जब जाते हैं तो क्लाइंट को अचीव करने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्लाइंट फंस गया एक बार फंस गया। आपके यहाँ बिल्कुल जेन्युइनिटी है, और सेकंड जो टीम आपके साथ है, मैं कहूंगा कि आपकी जो कामयाबी का सक्सेस का जो राज है वो आपकी टीम भी है साथ। नहीं, आई टोटली एग्री, टीम के बिना तो आई थिंक कोई भी बिजनेस नहीं स्टैंड कर सकता, हमारा कैसे कर जाएगा। नहीं, टीम आपकी बड़ी डेडिकेटेड है, बहुत पॉजिटिव है, आपके ऑफिस से सुपरवाइजर या ऑफिस में जिनसे भी इंटरेक्शन मेरा हुआ उनके अंदर एक अपनापन रहा, हमें कभी भी ये नहीं लगा, बल्कि एक दो बार कभी अगर बात आई भी तो अंकुश जी ने मेरे को यही कहा, आप अपना बिजनेस संभालो, मेरा घर है, मैं बना, मुझे घर आप तैयार करने दो, आप शांति से अपना बिजनेस करो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर आए, आपने उनसे पूछा आपके कॉन्ट्रैक्टर है तो आप दे दीजिएगा, ठीक है, आपके यहाँ से जो भी कॉन्ट्रैक्टर आया वो पूरा डेडिकेटेड था काम के लिए, परफेक्शन काम में पूरा है 100%, और ऊपर से आप लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, जो गाइडलाइन आप लोगों की है, जो ड्राइंग्स वगैरह आप लोग बना के देते हैं, उसमें कहीं भी पिन पॉइंट की भी गुंजाइश है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आई थिंक इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू टुडे। हमारे व्यूअर्स ने तो काफी कुछ सीखा, इनफैक्ट हमने भी काफी कुछ सीखा। इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक अस टू वर्क ऑन और प्रोबेबली इंप्रूव ऑन, एनीथिंग एज अंसा जॉब चाहेंगे कि हम इंप्रूव करें? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 100% आते हैं। अब आप अगर और ज्यादा इंप्रूव करोगे तो लिमिट से ज्यादा चीजें जो है वो खराब भी हो जाती है कई बार, जो है आप अपने आप में। नहीं भैया, आपकी चुप्पी इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट थी, थैंक यू सो मच, आई थिंक आपने आज हमें अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।